और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब पहले साल सभी नव नियुक्त कर्मचारियों को 70% सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 100% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब पहले साल सभी कर्मचारियों को 70% भुगतान, दूसरे साल 100% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा राजधानी भोपाल से हुई है। मैं एक फैसला और कर रहा हूं, एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये चार हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता, तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%। बोलो भारत माता की। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे भोपाल का रुख करेंगे अपने विशेष संवाददाता अनुराग के पास। अनुराग, क्या है पहले और अब का क्या फेरबदल हुआ, क्या हुई ये घोषणा? देखिए नीतीश, जिस तरह से हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो फैसला था या जो पहले नीति थी उसमें नए कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल 100% सैलरी दी जाती थी, यानी कि चौथे साल से पूरी सैलरी मिलना शुरू होती थी। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, सिर्फ एक साल के लिए जो है नौ नियुक्त कर्मचारियों को 70% की सैलरी मिलेगी, लेकिन 13वां महीना यानी एक साल पूरा होते ही ये सैलरी 100% मिलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा अंतर आएगा, लगभग 3 साल तक की जो सैलरी कम मिलती थी सरकारी कर्मचारियों को, नए कर्मचारियों को, अब वैसा नहीं होगा और दूसरे साल से ही जो है सैलरी पूरी मिलना शुरू हो जाएगी। और काफी बड़ा फैसला है, बड़े लंबे अरसे से इसकी मांग कर्मचारी संगठन करते भी आ रहे थे। नीतीश, अनुराग, अगर इसके चुनावी इम्पैक्ट की बात की जाए तो कितना असर डाल सकता है ये फैसला? देखिए बड़ा असर डालेगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर पिछले इसी साल की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख नए कर्मचारियों की सरकार नियुक्ति कर रही है, तो 1 लाख ये कर्मचारी सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, उनका परिवार। और इसके अलावा पिछले 2 साल के शासकीय कर्मचारियों की बात करें जो इस फायदे के दायरे में आएंगे, तो लगभग हम देखेंगे कि 1.5 से 2 लाख नए कर्मचारी और उनके परिवार मिला के 3 से 4 लाख वोटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका एक बड़ा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, देखना होगा कि अब इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल, इस तमाम जानकारी के लिए अनुराग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, अब पहले साल सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को 70%, दूसरे साल से 100% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल से 100% सैलरी दी जाती थी, जो कि अब दूसरे साल से ही 100% सैलरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।